मैं दो तीन मुद्दों के ऊपर आप सबका ध्यान आकर्षित जरूर करना चाहूंगी। ये बात तो उठेगी कि पिछले 4.5 साल के अंदर जिस सरकार ने हमारे प्रदेश को चलाया है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के अंदर डूब करके जनता की तरफ न ध्यान देते हुए अपने को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, वो अपने मंत्रियों को और अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं। आप राजस्थान के ढाणी ढाणी नड्डा जी आप चले जाओगे ढाणी ढाणी के अंदर, छोटे छोटे नगर के अंदर, और आप लोगों से पूछेंगे कि इस सरकार की सबसे बड़ा काम क्या हुआ है इस 4.5 साल में, तो सब आपको बताएंगे कि भ्रष्टाचार एक ऐसा जोरदार भ्रष्टाचार है कि कोई भी कार्य कोई भी काम आज के दिन के अंदर हम बिना रिश्वत दिए कर नहीं सकते। अपने आप को तो इनने मजबूत बना लिया, परंतु हमारी सरकार और इस प्रदेश की सरकार ढीली होती गई। आपको सबको याद होगा कि अपन लोगों ने जब सरकार चलाई थी तो उस समय हम लोगों ने बड़ी कोशिश की थी कि किसी भी तरीके से राजस्थान को अरणी प्रदेश के स्तर पे लेवल पे ले जाने का हम लोग कोशिश करें। जो पुरानी आदतें इनकी थी कि पैसा नहीं है पैसा नहीं है, उसको रोक करके पैसा को बचा के राजस्थान की जनता को किस तरीके से मजबूत किया जाए, और आज आपको ये देखने में मिल रहा है कि जोरदार लूट चारों ओर, जहां भी आप देख रहे हो वहां लूट खसोट मची हुई है। सरकार के दफ्तर के अंदर भी जब आपको पैसा और सोना मिलता है तो इससे और क्या वाहियात चीज हो सकती है। कुछ दिन पहले गहलोत की सरकार ने तो सब रिकॉर्ड तोड़ दिए जब कांग्रेस के एक पूर्व राज्य मंत्री करीबन 18 लाख घूस लेते हुए पकड़े गए। ये अभी अभी की बात है। कानून व्यवस्था की बात करो तो सबसे नंबर वन पे पूरे देश के अंदर कोई है तो हम। महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, दुष्कर्म, गैंग वॉर, लूट, हत्या, नाम लो आप, वो सब हम लोगों ने कर लिया है। और सब सर्वाधिक है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, शांति प्रिय राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक लहरें आपको देखने को मिल रही हैं। इस सरकार की नाकामियां तो उजागर हम लोग करेंगे। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में लिया है वो एक वो कार्यक्रम है जो गांव गांव ढाणी ढाणी तक नहीं सहेगा राजस्थान के नाम से सबके बीच में पहुंचेगा, और जो ये कांग्रेस ने काम किया है वो सब तक पहुंचा के उनको उजागर करने का काम करेगा। नाकामियां उसके साथ साथ क्या का काम जो मोदी जी ने किए हैं उनको आपको जनता तक पहुंचाने का काम करना है। छोटे छोटे काम पर बहुत बड़ा उनका असर। किसान के खाते में जमा हो रहा है 6,000 रुपया, वो लोगों के बीच में पहुंचा है। गरीबों के घर बन रहे हैं, भारत में कोई भूखा न सोए उसको ध्यान में रखते हुए गरीब कल्याण योजना, मुफ्त अनाज सब लोगों को मिल रहा है। और चुनाव में मुफ्त की बात तो अपन जब कर ही रहे हैं तो मैं ये कहूंगी मुफ्त योजना में कांग्रेस चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो अपने को लेने की कोशिश है अपने हाथ में।